बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, प्रभु श्री राम स्वर्ग आश्रम में पहुंच गए। सुबह हुआ, राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े, उधर देखा गुरु विश्वामित्र ने यज्ञ करना शुरू किया है। जैसे आहुति को लगाया और धुआं आकाश में गया, मरीचि सुबाहु नाम के दोनों दैत्य आंधी तूफान लेकर के टूट पड़े, और जैसे ही रक्त के कण यज्ञ पर डालना चाहते हैं, प्रभु श्री राम ने सुबाहु के हृदय में एक बाण मारा, सुबाहु को मौत के घाट उतार दिया और मारी मरीच को बाण पर रखा सोयो जो दूर लंका में फेंक दिया, और गुरु विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया। और जैसे ही गुरुदेव का यज्ञ पूरा हुआ, रात्रि वही सुबह हुआ सजनों, तो राजा जनक के यहां से एक पत्र मिल गया, सीता स्वयंवर का पत्र मिला सजन। याद रखना मेरे भक्तों, ये पत्रों सब राजाओं को गया, लेकिन अयोध्या के लिए पत्र नहीं गया। अयोध्या के लिए पत्र क्यों नहीं गया? सब जगह पत्र गया, और देखिए जहां पत्र नहीं गया वहीं के सीता ले गए। जहां जहां पत्र गया वो सीता को नहीं ले जा पाए, और जहां पत्र नहीं गया वहां की सीता को ले गए। सब जगह पत्र गया, अवध में पत्र नहीं गया सदन। ये घटना उस समय की है, एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उधर से देखा एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बैठा करके जा रही है। उस बिचारी ने नीचे नहीं देखा, साधु का कमंडल रखा हुआ था, कमंडल पैर से बिखर गया। साधु को क्रोध आया, पतिव्रता बहुत बड़ी पतिव्रता बनती है, तूने मेरे कमंडल को गिरा दिया, तुझे दिखता नहीं पति के नशे में मदमस्त है, चाह मैं तुझे साफ देता हूं, सुबह का सूर्य निकलते ही तेरा पति मर जाएगा, सूर्य निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। वो भी कोई ऐसी वैसी पतिव्रता नहीं थी, उसने भी संकल्प ले लिया, और सुबह सूर्य निकलते अगर मेरा पति मरेगा तो मैं सुबह के सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। दोनों में घमासान युद्ध हो गया, सूर्य नहीं निकला। ऋषि व्याकुल हो गए, व्यथित होगी, ब्रह्मा जी की मर्यादा टूट जाएगी। ऋषियों ने समझाया, अरे ऋषि को समझाया, आप अपने संकल्प को वापस ले लो। ऋषि बोले, कोई मैं ऐसा वैसा ऋषि नहीं हूं जो संकल्प वापस लूं। पतिव्रता ने कहा कि आप अपने संकल्प को वापस ले लो। बोले, मैं अपने संकल्प को वापस लेकर के मैं विधवा होना नहीं चाहती, मैं संकल्प वापस नहीं लूंगी। दोनों में से कोई संकल्प वापस लेने को तैयार नहीं है। तब ऋषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला, कोई पतिव्रता स्त्री कच्ची मटकी में कच्चा धागा बांध करके कुएं से जल खींच करके इसके पति को स्नान करवा देगी तो इसका पति बच जाएगा और सूर्य भी निकल आएगा, और साधु की भी वाणी बच जाएगी, इस पतिव्रता की भी वाणी बच जाएगी। अब सब जगह अल्लाह भैया जनकपुरी में कोई पतिव्रता नहीं मिली। ये समाचार कौशल्या ने सुना, कौशल्या ने महाराज दशरथ से कहा, राजन एक पतिव्रता स्त्री एक सन्यासी की इज्जत दाव पर लगी हुई है, आप कहो तो मैं उस काम को पूरा कर दूं। राजा दशरथ ने स्वीकृति दे दी। अब रानी रनवास में जाकर के श्रृंगार कर रही है, तब तक रानी के महल में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी आ गई। उसने कहा, रानी आज सुबह श्रृंगार करके कहां जा रही हो? सारे वृतांत को उस मेहतरानी को बताया। मेहतरानी बोली, इतना छोटा काम करने के लिए हमारे अवध की रानी जाएगी, ये काम तो मैं करके आ जाऊंगी। रानी नहीं गई, मेहतरानी को भेजा। मेहतरानी ने कच्ची मटकी में धागा, कच्चे धागा बांध करके कुएं से जल खींच करके उसके पति को स्नान करवाया, सूर्य निकल गया। जब ये पत्र लिखे जा रहे थे, राजा जनक को जनक कहने लगे, अयोध्या को पत्र लिखो। जनकवासी जनकपुरी वासी कहने लगे, अगर अयोध्या को पत्र लिखोगे राम जी धनुष उठाने के लिए तैयार होंगे तो कहीं हरिजन आगे ना कहे कि इतना छोटा काम करने के लिए हमारे राम जी जाएंगे, इस धनुष का काम तो हम ही कर देंगे, इसलिए अवध में पत्र नहीं गया सज्जन। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।